एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होती रही और आखिरकार ये फैसला हुआ कि हमारे नए नए वाइस चांसलर साहब आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की कोर्ट की मीटिंग से भी तीन नाम जा चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे भरोसा दिलाया है कि मैं बहुत जल्द ही नया वाइस चांसलर आते ही पहला है सबसे पहले वो बहाल होगी। इस उम्मीद पर हम सब ने आज इतफा किया और इस पर भरोसा किया है और ट्रस्ट हमको अपील हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर आते ही इलेक्शन कराए। भाई अगर छात्रों में इलीगल एफ आई आर हुई है और वो फलस्तीन के ऊपर और वो मजलूम और उनके हक में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे उस पर ज़बरदस्ती, जो कि हमारा हमारे मुल्क का भी स्टैंड ये है कि फलस्तीनियों के खिलाफ जो जुल्म ज़्यादती है और उसको रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट पर एफ आई आर की जाती है। ये जुल्म बर्बरियत का जो आगाज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा है ये इलीगल तरीके से था, इसको रिटर्न किया जाए। यही डिमांड प्रोफेसर साहब से भी मैंने रखी, इसको जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। ज़बरदस्ती इसमें कोई आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर खिलवाड़ करने की आदत पड़ गई है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये दो रिक्वेस्ट थी कि ये सब चीज़ों को प्रशासन तो बस ज़बरदस्ती ही है। जब हमारा स्टैंड हमारे मुल्क का स्टैंड फलस्तीन के साथ है तो हम फलस्तीनियों के हक में क्यों आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो एफ आई आर कर दी जाती है। जिनको बोलने का तरीका नहीं, जिनको चलने का तरीका नहीं, वो आके क्या नाम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाते हैं, उसके बाद एफ आई आर कर देते हैं बच्चों पे। वो डीएस कॉलेज के चंद लोग हैं, वो नाम बड़े हमेशा मशहूर रहते हैं, उनको आदत है बेहूदा बातों करने की और यूनिवर्सिटी को लेकर क्या क्या बातें करते हैं। यहाँ तक की नर्सरी है, लोग चंद दिन कहते हैं आईएएस आईपीएस डॉक्टर मास्टर, जिसको देखना हो आओ यहाँ दिखाते हैं हम। बाहर लगी हुई है हमारे ये मैसेज पहुँच जाए जो कॉलेजेस में जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना, उनको समझने की जरूरत है।